Today we will discuss transgenic animals. Transgenic animals. Transgenic animals. Animals that have had their DNA manipulated. Animals that have had their DNA manipulated to. टू पोजेस एजेस एंड एक्सप्रेस टू पजेस एंड एक्सप्रेस द एक्सट्रा जीड ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी को ऐसे एनिमल्स है जिनके अंदर एक नया जीन इंट्रोड्यूस किया गया है और वही वहाँ एक्सप्रेस हुआ है तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स animals that have had their melikunga animals that have that have had their dna had their dna manipulated had their that have had their their dna manipulated 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 that have had their dna Manuplated manipulated that have had their DNA manipulated uh, to possess to possess and express possess and express extra gene are called extra gene are called. आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है ना बच्चों वो एनिमल्स जिनके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा जीन इंट्रोड्यूस किया है और वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है उन एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं दुनिया में 95 परसेंट ट्रांसजेंिक एनिमल्स आर माइस याद दुनिया मंजे सारे हिंदी ज़्यादा मित लब माइस एज ट्रांसजेनिक यानी माइस जो है नाइंटी फाइव परसेंट ट्रांसजिनिक एनिमल्स आर माइस अदर्स इंक्लूड याद रखना बाकी कौन कौन है काउ है शीप है काउ है बेटा शीप है बेटा फिश है बेटा याद रखना बचो काउ शीप फिश है ना बचो पिग रैबिट पिग पिग्स एंड रैबिट ये अदर्स इंक्लूड हो रहे ट्रांसजनिक एनिमल्स क्लियर बच्चों तो द एनिमल्स जो होते हैं दीज एनिमल्स आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस ये क्यों ट्रांसजेनिक बनाए जाते हैं क्योंकि दे आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस मिसाल के तौर पर लिखो बच्चों दे आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन्स क्लियर बच्चो

Uh, physiology ya development ko uh, hoga we can use them and if we can use the transgenic animals to study study complex factors to study the complex factors to study complex factors uh, involved in growth इन्वॉल्ड इन ग्रोथ लाइक इंसुलिन ये कम्प्लेक्स फैक्टर जो है ये कैसे काम करता है यानी इंसुलिन जो हमारे पास है कैसे काम करता है कैसे डेवलपमेंट में मदद करता है फिजोलॉजी क्या है वगैरह तो ये हम स्टडी कर सकते हैं बाई यूजिंग द ट्रांसजेनिक एनीमल्स ये एक फंक्शन है ये एक बेनिफिशल बेनिफिट uh, है बाई टू यूज़ दिज ट्रांसजेनिक एनिमल्स नंबर वन नंबर सेकंड जो है अगर हम देखेंगे बेटा तो वो टू स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज अगर हमें देखना होगा अगर हमें पढ़ना होगा टू स्टडी द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस काजड बाय काज बाय जीन काजड बाय जीन डिफेक्ट्स एंड देन इट बिकम्स द पॉसिबल टु ट्रीट सच अ डिजीज़ मिशाल बह व फल जी हसा चुना प्रबलम करन बह कर एनम्लस मंज इंट्रडूस बहु अमस क्या कर कस बेम करी माया खर बनी पॉसिबल्टी बह हेक अमें खुद दवा प्रोड्यूस कर टु ट्रीट सच अ डिजीज इट बिकम्स द पॉसिबल टु तो ट्रीट सच डिजीज मिसाल के तौर पर फिबस बमारि है रिमेटॉड आथस बमारि है कैंसर है आजकल के जमाने में ऐसा हो रहा है क्योंकि हम क्या करेंगे बेटा ऐसी बीमारियों को ऐसे बीमारियों को हम पढ़ सकते हैं ऐसे बीमारियों के खिलाफ हम दवाई बना सकते हैं मगर बाय यूजिंग विच एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो अगर आप देखेंगे और एक चीज है इसका बेनिफिट दे आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल आर यूज्ड एज एज यूज्ड एज दे दे यूजड टु पडूस बालिकल प्रोडक्टसिकल पोडक्ट्स बनाते हम क्यों मैं बाो रिटर्स मेंने दे वर्क एजो रिटर्स तो विक से दैट ट्रानजिनिक एनल्स हे इस्लाल ट टु पोडूस द बालिकल पोडक्ट्स मिसाल अगर तुम यद हेको इंसुलिन बन लार्ज स्कल बाई यूजिंग दट वी कैन से देट बाईजिंग बाई यूजिंग ट्रानोिनिक एनिमल्स मगर जनरली अगर हम देखेंगे बेटा हम आजकल के ज़माने में बनाते हैं अल्फा अल्फा याद रखो बच्चों अल्फा एंटी याद रखना बच्चों अल्फा एंटे अल्फा ह्यूमन प्रोटीन एक है जिसका नाम है अल्फा एंटे एंटे ट्रप ट्रपसिन अल्फा एंटी ट्रिपसिन जो है इट्स अ प्रोटीन ये यूज किया जाता है टू ट्रीट एक बीमारी जिस बीमारी का नाम है एम्फेसीमा ये लंग की एक बीमारी है बेटा इसको ट्रीट करने में यह प्रोटीन लगता है ये प्रोटीन हम बना सकते हैं इन ट्रांसजीनिक एनिमल्स तो अगर आप देखेंगे इन 1997 1997 में क्या हुआ बेटा द फर्स्ट ट्रांसजीनिक काउ जिसका नाम है रोजी तो उसका नाम है रोसी रोजी जो है बेटा इज अ ट्रांसजीनिक कब बनाया गया है 1997 में तो इसका नाम क्या है रोसी प्रोड्यूसिंग एक मिल्क रिच इन ह्यूमन प्रोटीन ये मिल्क जो बनाती है ये काउ वो ए वो रिच है किसने मिल्क प्रोटीन में जिस प्रोटीन का नाम है लैक्ट अल्ब्यूमिन लैक्ट अल्ब्यूमिन ये ये ऐसा एक रिच प्रोटीन है विच इज़ प्रेजेंट द मिल्क ऑफ रोसी दिस रोसी एक ट्रांसजीनिक काव है जो बनाई गई थी 1997 में ठीक है यूज अच्छा और एक फंक्शन है ट्रांसजीनिक एनिमल्स का क्या यूज टू ट्रीट यूज टू ट्रीट या वी कैन लाइक से वी कैन से दैट दे आर यूज टू टेस्ट टू टेस्ट द सेफ्टी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन For example, polio vaccine. For example, polio vaccine. For example, uh, for example, polio vaccine in transgenic animals. Yani işte agar imsat polio vaccine banana o, yitro u got kemismans, kemismans, animalismans, kemismans uşuk emik efekti kiar ojen. Bu işte patya koni istemal kiri insanımız bu they are used to test the safety of vaccines. Misal ke topar Polio vaccine. They are used. transgenic animals are used to test the toxicity of drugs. And even kuta harmful effect, issue, we can use these uh, transgenic animals to test the safety of vaccines, to test the we can see the toxicity of the drugs, etc. This is all about beta transgenic animals, Good. they are beneficial for humans. Likobachov genetically modified. ऑर्गेनिज्म जीएमओ यह आपके टेक्स्ट ने पहली पेज पे लिखा है जीएमओस क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जेम जेनेटिकली 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 मॉडिफाइड 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 ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनको हम बेटा बोलते हैं जी एम ओ लिखो बच्चों प्लांट्स फंजे बैक्टीरिया एंड एनिमल्स आर मैन्युपलेटिड और मैनुपलेटेड यानी प्लांट्स फंजे बैक्टीरिया एंड एनिमल्स हु जीन्स आर मैन्यूपलेटेड तो जीन हजारेट कर मैनुप्लेटेड यानी इंट्रोड्यूस करना जीन्स जीन्स आर कॉल्ड ओ उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ठीक है ना बेटा अगर आप देखेंगे ऐसे कुछ प्लांट्स बनाए गए है जिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट तो उसकी वजह से हमें जो क्रैप्स मिलेंगे वो ज्यादा मिलेंगे तो उनको हमने क्या बनाया है प्लांट आर मॉडिफाइड जेनेटिकली टू बिकम रेजिटेंट टू बिकम रेजिस्टेंट टू बिकम आर मॉडिफाइड टू बिकम रेजिस्टेंट टू दैट टेस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा बेटा हमारे पास बीटा टॉक्सिन है ये एक टॉक्सिन है ये हम हासिल करते हैं फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थिरन थिरन जेनेसिस बैसिलस बैसिलस थिरन जेनेसिस ये एक बेटा बैक्टीरिया है जिसे हम हासिल करते हैं बेटा क्या एक टॉक्सिन जिसका नाम मैंने रखा है टॉक्सिन बीटी का मतलब है बैसिलस थेरन जेनोसिस तो बीटी टॉक्सिन हैज हैज बिकम हम बीन क्लोन्ड इन सम प्लांट्स लाइक यानी यही हम क्लोन करते हैं बीटी टॉक्सिन यानी इसको सिंथेसाइज़ करता होगा कोई जीन वो जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी किसी प्लांट में और वो प्लांट बनता है रेजिस्टेंट टू तो सम आर यू गेटिंग मी तो अगर हम देखेंगे मिसाल के तौर पर दिस बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन है क्लोन टू तो प्रोवाइड रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अगेंस सम इंसेक्ट्स मिसाल के तौर पर हम बनाते हैं बीटी कॉटन हम बनाते हैं बीटी राइस हम बनाते हैं बीटी कॉटन बनाते हैं बीटी राइस बनाते हैं बेटा सोयाबीन सोयाबीन बनाते हैं बेटा तो ये वो टमाटो बनाते हैं बेटा यानी वो हम टमेटो बनाते हैं बेटा तो वो रेजिस्टेंट हम बनाते हैं अगेन्स्ट सम करते हैं हम कौन सा प्रोसीजर है बेटा लिसन अगर हम लेंगे बेटा इन वी कैन से दैट समस्थ प्रोड्यूस ए प्रोटीन जिसका नाम मैंने बोला है टॉक्सिन यानी प्रोड्यूस ए प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स लाइक आर्मी वर्म है बॉल वर्म है लिपिडॉप्टर है डिप्थीरियस है ये सारे इंसेक्ट जो है इनके खिलाफ क्या देता है रेजिस्टेंस देता है इस बैसल में ये टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है इन इनएक्टिव स्टेट में इनएक्टिव ये एक्टिव नहीं होता है तो लेकिन जब हम इसका जीन बीटी टॉक्सिन जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं किस में करते हैं इंट्रोड्यूस प्लांट में तो जब हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा ये जीन प्रोड्यूस करता है ये वाला इनएक्टिव प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन इनएक्टिव टॉक्सिन लेकिन जब कोई इंसेक्ट लाइक आर्मी वॉर्म या बॉल वॉर्म यानी वी कैन से दैट वी कैन से दैट अब जब कोई इंसेक्ट इस प्लांट को इंफेक्शन करता है कैन से दैट इस पर बैठता है तो वो क्या करता है बेटा वो ये इनेक्टिव प्रोटीन को लेता है वो ये है वी कैन से दैट जब ये इनेक्टिव प्रोटीन इसके बॉडी में चला जाता है इस इंसेक्ट के बॉडी में चला जाता है इसके घट में होता है अल्कलाइन पीएच क्या होता है अल्कलाइन पीएच वो अल्कलाइन पीएच में क्या हो जाता है वो एक्टिव हो जाता है कौन सा प्रोटीन बीटी टॉक्सिन जो इनएक्टिव था वो हुआ है अब एक्टिव ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच प्रेजेंट इन द गट ऑफ गट ऑफ द वी कैन से दैट इंसेक्ट तो जब ये एक्टिव हो जाता है ये इसके गट को लाइसिस करता है इसके सेल्स को डेड करता है और अल्टीमेटली कॉज इज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट तो ये प्लांट बच जाता है फ्रॉम द डैमेज ऑफ द पर्टिकुलर इंसेक्ट क्लियर तो फिर क्या हो जाता है बेटा ये जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथिस ऑफ टॉक्सिन दैट जीन इज कॉल्ड एज क्राइजीन क्या बोला जाता है बेटा क्राइजीन उसका नाम आता है बेटा कौन सा जीन ज क्राईजीन इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं क्राई वी कैन से दैट फर्स्ट ए सी क्राई सेकेंड क्राई क्राई सेकेंड ए बी है तो तीसरा है बेटा क्राई क्राई फर्स्ट ए बी है ठीक है बच्चों ये वाला ये सिंथेसाइज ये लगता है हमें ये टू टू कंट्रोल कार्टन याद रखना बच्चों काटन बॉल वर्म वर्म्स इनको कंट्रोल करने में मदद करता है और यह कंट्रोल करता है कारन बोरर कारन बोरर ठीक है ना बच्चों तो वी कैन सिंपली से दैट बच्चों जो मैंने पढ़ा है इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट्स होते हैं फंजे होते हैं बैक्टीरिया होते हैं एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर हमें वो जीन्स आर मैनिपुलेटेड उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने क्या किया है हमने एक प्लांट बनाया है जो रेजिस्टेंट प्लांट्स कुछ बनाए जो रेजिस्टेंट होते हैं तो सम इंसेक्ट्स और खमे क्राप ज्यादा से ज्यादा मिलता है एक जीन देखा गया है जिस जीन का नाम है ये जीन का नाम है बीटी जिस एक जीन देखा गया है जो जीन सिंथेसाइज करता है क्या करता है सिंथेसाइज सिंथेसाइज करता है एक टॉक्जिन तो दैट इज कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन ये पाया गया है इन ए स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसलस थ्रंजेंसिस इस जीन को वहाँ से निकाला गया है और इंट्रोड्यूस किया गया है इन सम प्लांट्स लाइक टमेटो सोयाबीन वगैरह और वो प्लांट्स बन गए रेजिस्टेंस अगेंस्ट दोज इंसेक्ट्स तो एक जो ये टॉक्सिन जो है ये सिंथेसाइज हो जाता है जीन सिंथेसाइज को करता है इन बैसलस थ्रेंजेंसिस में सिंथेसाइज करता है इन इनएक्टिव फॉर्म तो इसका मतलब है बैसल थ्रेंजेंस को, को कोई डैमेज नहीं होता है लेकिन जब ये प्लांट में डाला गया है वहाँ भी ये इनएक्टिव बनता है जब ये जीन डाला गया है सा जीन क्रेजीन किस में प्लांट में तो वहाँ जब सिंथेसाइज हुआ है बीटा टॉक्सिन तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ लेकिन जब इसको कौन लेता है जब कोई इंसेक्ट लेता है वहाँ उसके घट में ये अल्क्राइन पी होता है वहाँ ये एक्टिव हो जाता है तो ये प्रो वी विक इनएक्टिव प्रोटीन टॉक्सिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव टॉक्सिन इनटू टॉक्सिन to तो इसके घट को लाइसिस को मारता है और अल्टीमेटली तो जीन, जीन का नाम है, इस है, है क्राइजी इसके कुछ फॉर्म क्राई फर्स्ट ए सी क्राई सेकेंड ए बी ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉल को और ये वाला कंट्रोल करता है कॉरन बोरर को दिस इज ऑल अबाउट बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक जो है बायोटेक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बेटा इसमें थोड़ा मालिकुलर सीजर है वो आपके सिलेबस में नहीं है और बायोपायरेसी बायोपेटेंट जो है बेटा वो तो आप सबको बायोटेक्नो यहाँ बॉटनी में पढ़ते हैं बेटा वेलफेयर में पढ़ते हैं पढ़ाएंगे सर आपको तो बाकी जितने भी एप्लीकेशन थे इसके वो मैंने आपको पढ़ाए लास्ट वाले एप्लीकेशन में पढ़ाऊँगा बेटा उसका नाम है आर एन ए इंटरफ्रेंस लास्ट uh, टॉपिक uh, वो है आर एनी इंटरफ्रेंस ये क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा इट इज एक्चुअली साइलेंसिंग साइलेंसिंग ऑफ साइलेंसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन साइलेंसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय बाय silencing of gene expression by double stranded rna by double stranded rna is called is called rna interference but it is actually a cellular defense mechanism in all eukaryotic cells cellular defense mechanism सेल्यूलर डिफेंस मैकेरियाज इन साइलेंसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय डबल स्ट्रेंडेड कॉल्ड इंटरफ्रेंस इट्स अ सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म ऑल इकेरिया सेल्स क्लियर बचो ओके अगर हम देखेंगे जिगर एक निमेटोड है हमारे पास जिस निमेटोड का नाम है मेलोडेग्नी मेलोडिग्नी इनकॉग्निशिया इनकॉगनिशिया ये एक निमेटोड है बेटा तो ये इन्फेक्शन करता है किस प्लांट को टबेक् प्लांट को टबेक् प्लांट टबैक्ो प्लांट को ये बीमारी काज करता है इन्फेक्शन करता है और यील्ड हमें बहुत कम मिलता है लेस ठीक अब क्या है इसी निमेटोर स्पेसिफिक एक जीन को इंट्रोड्यूस किया है इट्स ए निमेटोर स्पेसिफिक जीन याद रखना है स्पेसिफिक जीन इसी को इंट्रोड्यूस किया गया है किस प्लांट में तबेको प्लांट टो प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है मगर इस्तेमाल किया गया है एग्रो बैक्टीरियम एज ए वैक्टर एग्रो बैक्टीरियम को इस्तेमाल किया गया है एज अ वैक्टर एंड दिस निमेटोड स्पेसिफिक जीन इज इंट्रोड्यूस इंटू द टो प्लांट इस जीन ने वहां क्या किया टेको प्लांट में किया क्या सर इसने करके दिया हमें दो स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड भी और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी किसके कि आर एन ए के आर एन एस ट्रेंड एंड आर एन एंटी स्ट्रैंड ये दोनों बनाए और ये दो मिले तो बनाया डबल आरएनए, आर एन एबेको प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड बन गया इनके सेल्स में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एन ए बन गया जब मेलोडेग्नी इनकॉग्शिया इस प्लांट को अब इन्फेक्शन करता है वो अपना एम आर एन ए वहां बनाता है बनाएगा जरूर मेलोडेग्नी इनकॉग्शिया के जीन्स अपना एम आर एन ए बनाएंगे जब एम आर एन ए उसने बनाया ये डबल स्ट्रैंडेड आर एन ए जो है डी एस आर एन ए ये इसको साइलेंस करता है कैसे करता है वो आगे सीखेंगे नीट में इंशाल्लाह ये इसको साइलेंस करता है इसको एक्सप्रेशन से रोकता है कौन बी एस आर एन एम आर एन ए के एक्सप्रेशन को रोकता है मुझे बोलो मेलोडेग्नी इनकॉग्निशिया का प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा और इस मेलोडेग्नी इनकॉग्निशिया की ग्रोथ रुक जाएगी जब ग्रोथ रुकेगी बेटा तो इन्फेक्शन नहीं होगा जब इन्फेक्शन नहीं होगा यील्ड बहुत निकलेगा इसी को हम कहते हैं कि क्या बेटा के आर एन ए इंटरफ्रेंस क्योंकि आर एन ए को आर एन ए इंटरफ्रेंस हो गई यहाँ इसके साथ ये मिला इसके एक्सप्रेशन नहीं हुई प्रोटीन नहीं मिला ग्रोथ नहीं हुई मेलोडग्नी इनकॉग्निशा की और यील्ड बराबर मिल गया बेटा इसी के साथ सारी बायोटेक्नोलॉजी बेटा कवर हो गई नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे दो तीन लेक्चर्स लगेंगे वो होंगे जेनेटिक्स के तो आपका पूरा सिलेबस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा खुदा हाफिज़